नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान में कुछ दिन के ठहराव के बाद फिर से एक बार राजनीतिक उबाल शुरू हो गया है। राजस्थान की सियासत में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया अब कमान संभाल चुकी हैं। जैसे ही सत्र शुरू होने के टाइम नज़दीक आ रहे हैं, वैसे ही राजस्थान में गहलोत सरकार के लिए उल्टी गिनती भी शुरू हो रही है। अब राजस्थान की सियासत एक बार फिर से उबाल पे है, और वहाँ पर एक तरफ गहलोत और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्शन में आ गए हैं। सचिन पायलट के खेमे के जो विधायक हैं, उन्होंने भी नए आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। और इस बीच जो घटनाएँ घटी है, उसमें सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच के टकराव और बढ़ गए हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत ने शुरू में सोचा था कि कुछ चीज़ें जो छूट दी जा रही है, कुछ परेशानियां कम की जा रही है सचिन पायलट के कैंप के विधायकों की, उससे वो घर वापसी की सोचने लगेंगे, लेकिन उनका सारा दाव फेल हो गया। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी फिर से एक्टिव हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इसी समय का इंतजार कर रही थी, और इसलिए अब वसुंधरा राजे सिंधिया, जो इतने दिनों तक लगभग चुप बैठी हुई थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं की है और इसे कांग्रेस का इंटरनल मामला बताया था। लेकिन जैसे ही गवर्नर की तरफ से ये तय हो गया कि 14 अगस्त से राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होगा, और जैसे ही उसका समय नज़दीक आने लगा, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कमान संभाल लिया। और वो दिल्ली आकर जेपी नड्डा से, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात की और पूरी योजना पर चर्चा की कि किस तरह से 14 अगस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना सकती है, उनके पास क्या क्या विकल्प हैं, सचिन पायलट से अब तक क्या डील हुई, क्या बातचीत हुई है, और अशोक गहलोत के खेमे में जो विधायक हैं, जिसे जैसलमेर शिफ्ट कर दिया गया है, उन खेमे के विधायकों में कितने लोग हैं जो आप भी अशोक गहलोत का विरोध कर सकते हैं असेंबली में। ये सारी जो योजना थी, उसके ऊपर चर्चा दिल्ली में हुई, और दिल्ली की ये चर्चा अभी उस समय हुई है जब लगभग एक सप्ताह बचा हुआ है। एक सप्ताह में अब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, उसके बाद इन सारी योजनाओं पे काम करना शुरू किया जाएगा। तो ये जो राजनीतिक मोड़ आया है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अशोक गहलोत के सारे जो दाव फेल हुए हैं वही है, क्योंकि राजस्थान में जो स्थिति है वो कर्नाटक मध्य प्रदेश से अलग है, और वहाँ की स्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक अलग रणनीति पर काम कर रही थी। ये साइलेंट होकर अभी कांग्रेस के अंदर की खेमेवादी को ऑब्जर्व कर रही थी, और इस बीच जब गवर्नर और अशोक गहलोत के बीच का सारा मामला सुलट गया, और उसके बाद जब एक निश्चित समय आ गया कि अब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी, उसमें अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद किस तरह से कांग्रेस की सरकार गिराई जा सकती है, उसकी सारी योजना जब बन गई, तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता एक्टिव हो गए हैं। जेपी नड्डा और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच जो दिल्ली में बैठक हुई, उसकी जानकारी अमित शाह और नरेंद्र मोदी को भी दी गई है। ये दोनों नेताओं को उस पूरी योजना की जानकारी दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से राजस्थान के सियासत में जो नया मोड़ आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया रास्ता मिला है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता विधानसभा सत्र से गुजरता है। इसीलिए अभी तक वहाँ जो दो खेमों के विधायक हैं, एक तरफ सचिन पायलट और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, इन दोनों के बीच के टकराव के अंतिम स्थिति को देखा जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी उसको ऑब्जर्व कर रही थी। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी चुपचाप देख नहीं रही थी, बल्कि
बैकडोर से सचिन पायलट को वो बड़े वकील मुहैया करा रही थी जो सचिन पायलट के पक्ष को कोर्ट में सही तरीके से रख सके। और आखिरकार हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में सचिन पायलट की जीत हुई। उनकी सदस्यता और उनके साथ साथ जो उनके 18 सहयोगी विधायक हैं उनकी भी सदस्यता रद्द नहीं हुई। अब उनके पास अभी के समय में 19 विधायक हैं जो बागी सुर अपनाए हुए हैं, जिसको मनाने की कोशिश, सारी कोशिशें जो कर रहे थे अशोक गहलोत, वो सारा फेल हो गया है। इसके बाद अब एक नया डेवलपमेंट अशोक गहलोत के खेमे में हुआ है। अशोक गहलोत अपने सारे विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर चुके हैं, वहाँ के एक रिसोर्ट में, होटल में उनको रखे हुए हैं, और वहाँ पर जो उन विधायकों की गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है। अब एक नया आरोप जो सचिन पायलट कैंप के कुछ विधायकों ने लगाया है वो अशोक गहलोत के साथ रह रहे विधायकों के लिए है। इन लोगों का कहना है कि जिस रिसोर्ट में उन विधायकों को रखा गया है वहाँ उनको कोई फ्रीडम नहीं दी गई है, यहाँ तक कि उनके फ़ोन कॉल भी टैप किए जा रहे हैं। उनके पूरे जो होटल के आसपास का एरिया है वहाँ जैमर लगा दिया गया है, और इसके कारण वहाँ के एक दर्जन से ज़्यादा विधायक, यानी 12 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो परेशान हैं अशोक गहलोत से, और वो किसी भी स्तर पर सचिन पायलट के साथ मुलाकात करके, उनके साथ संपर्क करके अशोक गहलोत का विरोध करना चाहते हैं। जब 12 विधायकों की बात की गई तो उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि अशोक गहलोत ने आखिरकार जयपुर से इन विधायकों को जैसलमेर क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि ये समय लंबा था। 14 अगस्त से शुरू होने वाला है विधानसभा का सत्र, लेकिन 14 अगस्त तक अगर जयपुर में रखते तो जयपुर में अशोक गहलोत के विधायक कहीं न कहीं इस बीच और दूसरों से संपर्क में रह सकते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क कर सकते थे, या सचिन पायलट कैंप के कोई भी जो विधायक हैं या फिर उनके सहयोगी लोग जो हैं जयपुर में, उनसे संपर्क कर सकते थे। लेकिन अशोक गहलोत को ये पता नहीं था कि ये जो समय 14 अगस्त का दिया गया है, इस समय में जब वो अपने विधायकों को विधानसभा में लाएंगे तो उस समय क्या स्थिति होगी, क्योंकि अभी तक उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से विधायक हैं जो हमारे साथ हैं और कौन हमारे विरोध में विधानसभा के अंदर वोट देंगे। अगर ऐसी स्थिति है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ये पूरी तैयारी करके रखी है, और इसी योजना पर दिल्ली में डिस्कस किया गया कि जब विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी तो उस समय 14 अगस्त के बाद, 14 अगस्त को पहले विधानसभा सत्र के दौरान सारे विधायक वहां पर आएंगे, और सचिन पायलट भी ये कह चुके हैं कि अगर विधानसभा सत्र शुरू होता है तो हम लोग भी जो हरियाणा में रह रहे हैं वहां से डायरेक्ट राजस्थान विधानसभा सत्र के जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई में भाग लेने के लिए जाएंगे, और वहां पर अब सारे विधायक एक साथ आ जाएंगे। अब जो अशोक गहलोत के कैंप के विधायक हैं और पायलट कैंप के विधायक हैं दोनों एक दूसरे से वहां पर मुलाकात करेंगे, ये कटसी मुलाकात नहीं होगी। उसी समय सारे ये स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी कि कौन किसके साथ है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उस अविश्वास प्रस्ताव में जो वोटिंग होगी उस वोटिंग के समय अशोक गहलोत की सरकार के जो 107 विधायक हैं उसमें से 20 अभी ही बागी हो चुके हैं, और 10 और विधायक जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके संपर्क में है, पायलट के संपर्क में है, ये टोटल करीब 30 विधायक सरकार के विरोध में वोट देंगे। इसके बाद अशोक गहलोत किसी भी स्तर पर 101 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने इनके 30 विधायक के जाने के साथ ही इनके विधायकों की संख्या घट के 77 हो जाएगी, और 77 के अलावा अगर भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक या निर्दलीय जो विधायक हैं, 10 विधायक निर्दलीय उनका समर्थन में भी आते हैं तो भी 90 से ज़्यादा इनका आंकड़ा पूरा नहीं होने वाला है, जबकि वहाँ पर सरकार बचाए रखने के लिए 101 विधायकों के समर्थन की ज़रूरत होगी। ऐसे में अशोक गहलोत की सरकार गिरेगी और उसके बाद वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करेगी, या फिर वहाँ फिर से चुनाव होगा, ये सारी रणनीति बाद में बनाई जाएगी। लेकिन अभी जो चर्चा हुई है
दिल्ली की बैठक में वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो प्लान बताया है उस प्लान में यही शामिल है कि सबसे पहले अशोक गहलोत की सरकार गिराएंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए या चुनाव करवाए या फिर वहाँ कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये सारी स्थितियाँ बाद में तय की जाएगी, लेकिन अभी इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि 30 विधायक करीब करीब हैं पायलट के समर्थन में, जो अगर उन सरकार के खिलाफ वोट देते हैं तो आसानी से गहलोत की सरकार गिर जाएगी। और यही बात का अशोक गहलोत को डर है, उनके कैंप में खेमे में हड़कंप मचा हुआ है और एक सप्ताह भी समय बचा है विधानसभा सत्र शुरू होने में, उससे पहले ही अशोक गहलोत अपने सारे जितने जो दाव थे वो सारे दाव लगा चुके हैं। पायलट कैंप के विधायकों को बार बार वापस आने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया जाना था उसे वापस ले लिए हैं, लेकिन फिर भी स्थितियां बदली नहीं हैं और ऐसा लगता है कि 10 दिन के अंदर राजस्थान से कांग्रेस की सरकार के गिरने की खबर आ जाएगी। तो इसी तरह के खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।